नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के बलिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बलिया तहसील क्षेत्र के शिवपुर डियर में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क को मानकविहीन बताते हुए जेसीबी मशीन से पूरी तरह तोड़वा दिया और पुनः मानक अनुरूप बनाने के लिए विभाग को आदेशित किया। घटना से लोक निर्माण विभाग में जबरदस्त हंगाम मचा हुआ है। यूपी में जब से योगी सरकार बनी है, तब से भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए अधिकारियों से लेकर भाजपा नेता दम भर रहे हैं। बलिया जनपद के बैरिया में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने आज शिवपुर दियार में 1600 मीटर सड़क को जेसीबी मशीन से तोड़वा दिया। विधायक की माने तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बन रहे मोरल की जगह ठेकेदार मिट्टी का प्रयोग कर रहा था, जिससे सड़क ज्यादा दिन तक नहीं चलनी। विधायक सुरेंद्र सिंह के इस कार्रवाई से विभाग के ठेकेदारों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। विधायक सुरेंद्र सिंह भ्रष्टाचारियों से निपटने का नया तरीका निकाल लिया है। विधायक ने दावा किया है कि अपने विधानसभा में जितने भी सड़कें निर्माण हो रही है, उनकी जांच स्वयं विधायक करेंगे। आप देख रहे हैं बलिया से अखिलेश सैनी की रिपोर्ट। मेरे क्षेत्र में किसी प्रकार की धांधली नहीं चलने वाली है। इस तरह की धांधली करने वाला, मोरंग के जगह पर मिट्टी डालने वाला ठेकेदार को यही जो है झेलना पड़ेगा। मैं पूरा सड़क उखड़वा दूंगा। मैं संदेश देना चाहता हूं, बैरिया विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ठेकेदार मानक से खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा तो जो रानीगंज पुल में हुआ, जो शिवपुर रोड पर हुआ, वही हर जगह होगा। मैं इसमें मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे नेता का, मेरे मोदी जी का और योगी जी का यह नियत है कि ईमानदारी पूर्वक सामाजिक जीवन को जिया जाएगा और समाज का काम पवित्र भाव से, पवित्र मन से, पवित्र नियत से किया जाएगा। उसका मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं और द्वाबा की धरती पर दिखाऊंगा कि राजनीति में रह करके भी साधना कैसे की जाती है। एक जगह एक किसी भी एक सड़क पर मैं नहीं गया, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं करता। चौबे की दलकी पर हमारा उधर क्या, किसका है किसका? बेलहरी साइड में, साइड में किसका है? चेक करवाया था सर, चेक करवाया था। फिर हमको रुकवाना पड़ा है। रोहिला सर, ट्रस्ट अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।